साइबर और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर रायगढ़ नगर निगम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि साइबर जागरूकता और जल संरक्षण हम सभी के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। साइबर अपराधों से बचाव के लिए इसके बारे में जागरूक होना सबसे महत्वपूर्ण है। जन संरक्षण के लिए किए गए इस आयोजन का में मैंने भागीदारी दी और बहुत ही हर्ष का विषय है। रायगढ़ में अपनों के बीच अपने को पाकर बहुत आत्मीय प्रसन्नता होती है और मेरा हमेशा से यह संदेश रहा है कि जीवन में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए और अगर पॉजिटिविटी के साथ कोई भी काम करें आप और कोई भी प्रयास किसी का भी हो, चाहे प्रशासन का हो, न्याय प्रशासन का हो, तो उसमें अपना सहयोग दे। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सभी को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला प्रशासन के जल संरक्षण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि रायगढ़ में भूजल और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। सर्विस अथॉरिटी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबके समन्वित प्रयास से आज साइबर क्राइम और जल संरक्षण दो विषय पर बहुत बड़ा वर्कशॉप रायगढ़ जिले में आयोजित किया गया। ये निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है और आज बदलते तकनीकी के साथ साइबर क्राइम से मुक्ति दिलाना लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस पर लोगों की जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ये कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है। आने वाले समय में इस तरह के और भी प्रयास लगातार किए जाएंगे। इस कार्यशाला में साइबर जागरूकता और जल संरक्षण पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। यह कार्यशाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित की गई थी।